लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अब हम उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बेसिक मान लिया लीनियर इक्वेशन कहीं ये आई x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका सीधा सा मतलब है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन अगर यही इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए, इक्वलिटी थी अभी यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो था, अभी अगर ये इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए मतलब एक्स माइनस फाइव इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपका बन जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, ठीक है। अब अगर कहीं ये लिखा हो माइनस एक्स माइनस फाइव इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव हो गया, फाइव को इधर लेके आए, लेकिन ये है माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव, हमको माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों तरफ हम माइनस वन से डिवाइड कर देंगे। तो जब भी किसी निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो इनइक्वलिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन माइनस फाइव। बस ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब तक सब कुछ पॉजिटिव रहता है, हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने में है, प्लस माइनस करने में नहीं है। पॉजिटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा और जो लेस देन होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं ये दिया होता 3x/2 - 5/4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x/2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये -5/4 उधर पहुँचेगा तो ये पॉइंट बन जाएगा +5/4। और x अगर निकालेंगे तो इस 3 से इधर ला के डिवाइड करेंगे और 2 से उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 / 4 × 3 और ये ग्रेटर देन चल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन। ठीक, तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर इसी की जगह कुछ इस तरह से होता -3x/2 - 5/4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो -3x/2 इज़ ग्रेटर देन हो जाता 5/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 को आप उधर लेके जाओगे तो 2 से जब उधर मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में ये होता है और कहीं नहीं होता है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे उधर ले जाके तो 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो -3x इज़ ग्रेटर देन 10/4। ठीक, अब हम -3 से इधर डिवाइड करेंगे तो जब आप -3 से इधर ले जाके डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। जब भी हम नेगेटिव टर्म को इधर से उधर ले जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी है, तो एक्स इज़ लेस देन मिलेगा आपको 10/4 × -3। ठीक, जो भी सॉल्व करके आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं 5, तो ये आपका आ गया एक्स इज़ लेस देन 5/-5/6, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो जब तक पॉजिटिव नंबर को उधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही इनइक्वालिटी बदलती है। जब पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाके आप ले जाओगे लेके जा रहे हो डिवाइड में तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और नेगेटिव नंबर इस तरफ अगर डिवाइड में और उस तरफ लेके जा रहे हो मल्टीप्लाई में तो भी इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लिया क्वेश्चन ये है -x/6 + 15 = 0, तो ये हो गया -x/6 = -15। ठीक, तो माइनस एक्स इज़ लेस देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा। अब अगर माइनस हटाना है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तभी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन 90। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं, x/-2 - 4 = 0,
तो एक्स अपॉन माइनस टू कितना हो जाएगा, इज ग्रेटर देन फोर। ठीक, अब हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस टू से, माइनस टू को इधर से उधर लेके जाना है, तो माइनस टू है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हो, इधर डिवीजन में उधर ले जाके क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इज लेस देन माइनस एट। ठीक, दो आपको होमवर्क के लिए हैं, एक है आपके लिए एक्स अपॉन माइनस थ्री प्लस एट इज ग्रेटर देन थ्री, एक, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका थ्री एक्स बाई माइनस फोर इज ग्रेटर देन टू एक्स बाई फोर प्लस एट, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं।